हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो मैं अभी फिर से नई रेसिपी के साथ। तो दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं, ये बहुत ही बेहतरीन सब्जी में से एक सब्जी जो कि हमारे पास मटन, आलू और गाजर की है, जो कि बहुत ही बेहतरीन और टेस्टी लगता है दोस्तों। और आप भी देख रहे होंगे कितना अच्छा दिख रहा है, और यकीन मानिए ये बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही इजी। ये कम से कम अप्रोक्स 1 घंटा के अंदर में बन जाएगी। तो आइए हम इसे बनाते हैं, जो कि बहुत ही कम चीज़ों के साथ। जो आलू, मटन और जो कैरेट के साथ जो हम खाना बनाएंगे, जो सब्जी बनाएंगे, उसके लिए सबसे पहले तो मैंने यहाँ 400 ग्राम मटन ले लिया है, जो कि मैंने काट पीस करके मैंने इसे फ्रीज में रख दिया था, जो कि अभी जम चुका है। तो अभी मैं इसे 5 मिनट के लिए साइड में रख दूंगा, ताकि ये अलग अलग हो जाए। और फिर मैं यहाँ एक मीडियम साइज का प्याज लिया हूँ, एक गाजर, और यहाँ 2 मीडियम साइज का आलू है, और 2 लहसुन की कलियाँ हैं। तो आइए इन्हें छील पीट के काटते हैं और इसे साइड में तब तक रख देते हैं, और इसे हम साइड में कर लेते हैं ताकि ये हट जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने जो हमारा एक मीडियम साइज का प्याज था, और हमारे पास यहाँ लहसुन, और मैं यहाँ 2 छोटी मिर्च डालूंगा। ये छोटी दिखने में है पर बहुत ही ज़्यादा तीखी होती है दोस्तों। और मैं हल्की सी जीरा के साथ मैंने कढ़ाई को गर्म कर लिया है, उसमें तेल डाल दिया है। तो आइए हम सबसे पहले जीरा, लहसुन और जो हमारा प्याज है उसे हम गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं। तो दोस्तों, जब तक हमारा ये प्याज गोल्डन ब्राउन होगा, तब तक हम प्याज और जो हमारे पास कैरेट है, गाजर, इसे भी हम काट लेंगे। और गोल्डन ब्राउन होने के बाद हम इसमें अपना जो मटन है उसे हम डाल लेंगे, और फिर उसके बाद हम मटन डालने के बाद 5 मिनट पकाएंगे दोस्तों। तो आइए सबसे पहले तो हम इसे प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं। तो दोस्तों, जब मेरा प्याज हल्की सी गोल्डन ब्राउन हुआ तो मैंने इसमें मटन को डाल दिया है। अब मटन डालने के बाद दोस्तों उसे हम 5 से 10 मिनट पका लेते हैं, ताकि हमारा जो मटन है वो पक जाए। फिर उसके बाद हम आलू और जो हमारा गाजर है उसे हम डाल लेंगे। तो दोस्तों, 5 मिनट हो चुके हैं मुझे मटन डाले हुए। तो इसमें अब हमारा जो एक गाजर था उसे हम इस तरह से काट के उसको हम 5 मिनट और पका लेंगे, ताकि गाजर को भी पकने में टाइम लगता है दोस्तों। तो इसे हम मटन के साथ भी पका लेंगे। फिर हम आखिरी में हमारा आलू डालेंगे, जो कि आलू 10 से 15 मिनट में पक जाएगी। तो आइए अब इसे हम 5 से 10 मिनट पका लेते हैं, गाजर को मटन के साथ में। तो दोस्तों, गाजर डाले हुए भी हमारा 5 मिनट हो चुका है। तो आइए अब हमारा जो मीडियम साइज के 2 आलू थे उसे हमने इस तरह से काट कर उसे भी हम 5 मिनट तेल के साथ फ्राई कर लेते हैं, जो कि हमारे मटन के साथ रहेगा। तो 5 मिनट के बाद दोस्तों मैं इसमें मसाले डालूंगा। तो आइए इसे हम 5 मिनट ढक के मीडियम फ्लेम पे पका लेते हैं। तो दोस्तों, आलू को डाले हुए भी हमारा 5 मिनट हो चुका है। मैंने आलू को भी 5 मिनट तक इसे तेल के साथ हमने इसे फ्राई कर लिया है, जो कि गाजर और मटन के साथ में है। तो आइए अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। अगर आपके पास टमाटर ताज़ा है तो आप ताज़ा डाल सकते हैं दोस्तों, पर मैं इसमें टमाटर का पेस्ट यूज़ करूँगा। तो आइए इसमें हम टमाटर का पेस्ट डालते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, मैंने इसमें 2 टेबल स्पून मैंने टमाटर का पेस्ट डाल चुका हूँ। तो आइए इसे हम मिक्स कर लेते हैं। फिर 2 मिनट के बाद दोस्तों हम इसमें मसाले डालेंगे। तो दोस्तों, ये देखिए, हमने कुछ मसाला ले लिया है, जो कि 1/2 टीस्पून से कुछ ज़्यादा धनिया पत्ती है, 1/2 टीस्पून हमारे पास काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हमारे पास हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, और 1/2 टीस्पून से कम है हमारे पास गरम मसाला। तो आइए अब हम मसाले को भी डाल देते हैं, और मसाले डालने के बाद हम अच्छी तरह से इसे मिला लेंगे, और कम से कम हम 4 से 5 मिनट हम मसाले को पकाएंगे अब। तो आइए मसाले को पका लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, हमारा 4 मिनट से अबव हो गया है, मसाला आई थिंक पक चुका है। तो आइए अब हम ये करते हैं कि इसमें पानी डालते हैं। अगर आपको स्टू निकालना है तो आप निकाल सकते हैं, पर मैं इसमें 1 से 2 कप में पानी डालूंगा। और पानी डालने के बाद दोस्तों मैं इसे मीडियम फ्लेम पे ढक कर 1/2 घंटे के लिए पकाऊंगा। तो आइए पानी डालते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये 1/2 घंटा हो चुका है, तो हम इसे 5 मिनट और पका लेंगे, ताकि हमारा ये ग्रेवी सूख जाए हल्की सी, और फिर इसके बाद हम निकाल के आपको दिखाएंगे।
तो आप चाहें तो अभी धनिया पत्ती डाल सकते हैं। तो मैं अभी अभी हल्दी से धनिया पत्ती का भी यूज़ करूँगा, मैं इसमें डाल देता हूँ, फिर उसके बाद 5 मिनट और पका लेता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए हमने इसे कंप्लीट कर लिया है, तो आइए इसके ऊपर से हम धनिया पत्ती पहले रख लेते हैं। तो दोस्तों ये देखिए हमारा जो मटन आलू और गाजर की जो सब्जी है वो बन चुकी है, और ये बहुत ही बेहतरीन और टेस्टी बना है दोस्तों, और आप ये देख सकते हैं सब कुछ दिख रहा है इसमें। तो दोस्तों इसे बनाइए और खाइए और खिलाइए, और बनाने के बाद मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसा लगा। और दोस्तों फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।